हेलो गाइस, वेलकम बैक बी एस आर जे व्लॉग्स। सर्दियाँ हो और हम गाजर का हलवा ना बनाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो गाजर, ये मैंने पहले से कद्दूकस कर लिया है। उसके लिए 1.5 किलो दूध जो मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया है, और 750 ग्राम चीनी। आप इसको अगर कम ज़्यादा रखना चाहें अपने मीठे के हिसाब से, आप उतना रख सकते हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे नए तरीके से गाजर का हलवा। हम सारी गाजर कुकर में डालेंगे। ये हमने सारी गाजर कुकर में डाल दी है और इसको हमने एक सीटी दिलवानी है। इसको सिर्फ एक ही सीटी दिलवानी है हमने, और स्टीम निकाल के फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। हम लोग सिर्फ इसमें एक ही सीटी दिलवाएंगे। ये हमारी एक सीटी आ चुकी है और अब हम लोग गैस बंद कर देते हैं, पूरी स्टीम निकाल लेंगे। ये हमारे साथ स्टीम निकल गई है। थोड़ा सा हम इसे हिला लेंगे, कहीं नीचे चिपक ना गया हो। इसे हम लोग कढ़ाई में पलट लेंगे। ये सारा हमने कढ़ाई में निकाल लिया और अब हम इसमें दूध डालेंगे। इसमें हम दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आप चाहें तो मलाई ना डालें। अच्छे से हम नीचे मिक्स कर देंगे गैस पे, उसके बाद चढ़ाएंगे। आप दूध अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी 2 किलो में 1.5 किलो दूध तो लगेगा ही इसमें। ये अब हम जब तक उबाल नहीं आ जाता इसमें तब तक तेज़ गैस रखेंगे, उसके बाद हम लोग कम कर देंगे और इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा दूध और मिलाते रहेंगे। इसे बीच बीच में चलाते भी रहे, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। और चीनी अभी नहीं डालेंगे हम इनमें, जब बिल्कुल पूरा बन जाएगा तभी चीनी डालेंगे। जो बच गया था दूध वो सारा डाल दिया। अभी हम इसे उबलने छोड़ देते हैं इसे। ये देखिए गाइस, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसे मंदी आंच पे छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं इसे जल्दी से बनाएं, अगर आप यहीं खड़े होकर बना रहे हैं तो इसे तेज आंच पे भी बना सकते हैं, और अगर आप साथ में और कोई काम कर रहे हैं तो इसे आप मंदी आंच पे छोड़ दें और बार बार इसे बीच बीच में हिलाते रहें, नहीं तो ये दूध सारा बाहर आ जाएगा। तो अभी मैं तो इसे मंदी आंच पे छोड़ने वाली हूँ। इसे भी थोड़ी देर ऐसे ही चलाएं और फिर इसे मंदी आंच पे छोड़ दें और बीच बीच में संभालते रहें, जिससे कि नीचे चिपके नहीं, नहीं तो ये सारा नीचे चिपक जाएगा और जले का टेस्ट आएगा और खुशबू भी इसमें जले की हो जाएगी। देखिए गाइस, इसमें दूध कम होना शुरू हो गया क्योंकि रंग चुका है पूरी तरह से। और अब आप इसे तेज आंच पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसे बार बार हिलाते जरूर रहें, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। देखिए दूध का कलर भी चेंज हो गया गाजर से। अगर आप इसमें और डार्क कलर देना चाहते हैं तो आप इसमें कलर मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कलर नहीं मिलाया और ना ही मैं आगे मिला रही हूँ। आप अगर डार्क कलर चाहते हैं तो आप इसमें मिला सकते हैं, और अब आप इसमें तेज आँच छोड़ करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे बार बार हिलाते रहें।
नहीं, ये देखिए उसमें काफ़ी कम दूध हो गया। देखिए इसे ऐसे ही हम लोग नीचे तक चलाते रहेंगे जिससे कि चिपके नहीं। लगभग दूध ख़त्म हो चुका है इसका, अभी हमें इसे पूरे दूध को ख़त्म करना है। ये देखिए लगभग ये पानी में दूध सारा सूख चुका है, इसे हम बस थोड़ा सा और सुखाएंगे और फिर इसे घी डाल के भूनेंगे। अब हम इसे तेज आंच पे ही सारा सुखाएंगे। देखिए अच्छे से हो चुका है, देखिए इसमें दूध नहीं बचा। अगर आप इतना ही रखना चाहते हैं तो इसे इतना भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे थोड़ा सा और सुखाऊंगी। देखिए ये सारा सूख चुका है इसका दूध, अब हम इसमें घी डालेंगे। ये हमने इसमें घी डाल दिया, अब जितना चाहे उतना घी डाल सकते हैं इसमें। सारा मेल्ट हो गया, तो जैसे हम लोग आटे वगैरह का हलवा बनाते हैं इसको भी वैसे चलाएंगे जब तक घी ना छोड़ देंगे। ये देखिए सारा घी मेल्ट हो चुका है और ये देखिए साइड से घी छोड़ रहा है। ये पकना शुरू हो चुका है, बस थोड़ा सा ये घी और छोड़ दे, फिर हम लोग इसे चीनी डाल देंगे इसमें। लेकिन जब घी डाल दो तो इसे चलाते रहना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं है इसे, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए कढ़ाई के चारों तरफ मैंने घी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए घी अलग होना शुरू हो गया इसका। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं, मैं इसके सिर्फ ऊपर से गार्निश करूँगी। अगर आप ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं इसमें तो जब हम चीनी डालेंगे तभी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें, और हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा मीठा चाहिए। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इसमें देसी खांड भी डाल सकते हैं, वो शुगर में नुकसान नहीं करती है। अब इसे 5-7 मिनट हम लोग ऐसे चलाएंगे जिससे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट हो गई है तो ये भी हमारा गजरेला पतला हो गया है, अभी लगभग बन चुका है। बस 2-4 मिनट और हम इसे ऐसे चलाएंगे, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखें कि इसे चलाते रहें, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाएगा और उसमें जले की स्मेल भी आने लगेगी। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए इसमें कलर भी आ गया है, कलर डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अगर आप और ज़्यादा कलर चाहते हैं, आपको और ज़्यादा कलर पसंद है तो आप वो कलर डाल सकते हैं, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा कलर आया हुआ है। ये हमारा गाजर का हलवा तैयार है। आपको कुछ भी ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप जब भी ये ट्राई करें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।